आप लोगों को क्लास 7 का विषय हिंदी फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़ाएंगे। इस कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह है। इस कविता का पहला पैराग्राफ है वो है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिज्जर बदना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब इस कविता के माध्यम से कवि ने पक्षियों को जब हम लोग पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो उनके मन में क्या भाव आते हैं, इस भाव को कवि ने प्रकट किया है। इसमें कवि कहते हैं कि पक्षी जब पिंजरे में होते हैं तो क्या कहते हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, मतलब हम जो पक्षी हैं वो स्वतंत्र गगन में विचरण करने वाले, घूमने वाले हैं। पिंजर बदना गा पाएंगे, मतलब पिंजरे में बंद होकर के हम लोग अपने जीवन का गीत नहीं गा सकते। कनक तिल्लियों से टकराकर, मतलब जो पिंजरे की तिल्लियां हैं उससे क्या होगा, उससे हम टकराकर जब टकराएंगे तो क्या होगा, पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो हमारे कोमल पंख हैं वो पिंजरे की तिल्लियों से टकरा करके टूट जाएंगे। इसके बाद अगला पैराग्राफ क्या है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। मतलब पक्षी उसके बाद कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम लोग जो हैं वो हमेशा खुले स्थान पे रहते हैं और बहता हुआ नदियों और समुद्रों और तालाबों के जल पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हमें अगर इस तरह पिंजरे में कैद किए रहेंगे तो हम क्या होंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से, मतलब आप लोग जो हमें पिंजरे में कटोरी में मैदा देते हैं खाने के लिए या जो भी भोजन देते हैं उससे हमें अच्छा क्या लगता है, कटुक निबौरी, मतलब कटुक मतलब कड़वी, निबौरी मतलब होता है बबूल की पत्तियां या बबूल में जो बौर लगे होते हैं उनको, हमारे दिए हुए भोजन से अच्छा जो बबूल की पत्तियां हैं या उसके बौर हैं जो बहुत ही कड़वी होती हैं वो अच्छा लगता है। अगला हम लोग का तीसरा पैराग्राफ है, स्वर शिखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। मतलब स्वर शिखला, मतलब आप लोगों ने जो स्वर रूपी पिंजरा बनाया है उसमें क्या हुआ है, हम बंधे हुए हैं और अपनी गति उड़ान सब भूले, हम पिंजरे में बंद होकर के अपनी सारी गति सारे उड़ान क्या हो रहे हैं, भूल रहे हैं या भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। क्या बस अब हम लोग सपनों में देख रहे हैं कि हम लोग पेड़ों पे फुदक रहे हैं और पेड़ों पे झूल रहे हैं। मेरा जो टॉपिक था तीनों टॉपिक समाप्त हुआ। हम आप लोगों को क्लास 7 का विषय हिंदी फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, इसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है हम पक्षी मुक्त गगन के। पिछले चैप्टर में हम आप लोगों को 3 पैराग्राफ पढ़ा चुके थे, इस चैप्टर में हम आप लोगों को इस पार्ट का 4th पैराग्राफ पढ़ाएंगे। ऐसे थे अरमान उड़ते नीले नब की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। इस पैराग्राफ में पक्षी कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नब की सीमा ताने, मतलब हमारे जो अरमान थे वो ऐसे थे, हमारी इच्छाएं ऐसी थी कि हम लोग नीले नब की जो सीमा है उन सभी सीमाओं में उड़े, और लाल किरण से चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। और अगर हमें कभी भूख प्यास लगता तो हम लोग अच्छे अच्छे फलों को खाते, जैसे अनार के मोती के समान लाल लाल दाने। इसके बाद इसका 5th पैराग्राफ है, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। मतलब होती सीमा हीन क्षितिज से, मतलब हम लोग जो क्षितिज है उसकी सीमा को पाने की कोशिश करते और इस काम में हम लोग अपना पूरा ध्यान लगाते और क्षितिज से होड़ करते, इसमें चाहे तो हम लोग आसमान के या क्षितिज के सीमा का पता लगा पाते या हमारा प्राणांत हो जाता, यानी हम मौत को प्राप्त करते या तो ये पता करते कि इस आसमान का या क्षितिज का छोर क्या है। 6th पैराग्राफ है, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छीन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मतलब होता है घोंसला, मतलब नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें पेड़ की टहनियों पे घोंसला भले ही न बनाने दो, आश्रय छिन्न कर डालो, हमारे जो रहने का स्थान है उसको भी तुम लोग तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर ने हमें जो पंख दिए हैं उसमें हम लोग जो आकुल बिना किसी
लक्ष्य की जो उड़ान भरते हैं उस उड़ान में हमारे विघ्न न डालो, यानी हमें स्वतंत्र रूप से आसमान में विचरण करने दो, हमें अपने पसंद के भोजन करने दो और हम जहाँ चाहें स्वतंत्रता से उड़ते रहें और घूमते रहें। थैंक यू।